अभी तक आप कितने ही शिव मंदिरों में गए होंगे, लेकिन आज तक आपने एक शिव मंदिर में कितने शिवलिंग देखे होंगे? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस मंदिर में 90 लाख शिवलिंग हैं, और जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे तो मंदिर में शिवलिंग लेना बंद कर देंगे। तो 90 लाख शिवलिंग आए कैसे? एक आदमी ने मन्नत मांगी थी और उसकी मन्नत पूरी हुई तो उसने एक शिवलिंग चढ़ाया। ऐसे बात बढ़ती गई और लोगों की आके यहाँ मन्नत मांगते रहे। यहाँ पे एक पेड़ है जिस पे पीला धागा बांधकर लोग मन्नत मांगते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो महादेव यानी एक शिवलिंग लाके मंदिर में रख देते हैं, और इसी तरह 90 लाख शिवलिंग आज मंदिर में है। आप चाहें तो यहाँ पे आके मन्नत मांग सकते हैं। यहाँ आपकी कोई मन्नत हो तो घर बैठे महादेव से प्रार्थना करेंगे, मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं भी एक शिवलिंग चढ़ाऊँगा, और पूरी होने पे आके यहाँ पे बांध दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, ये स्वयंभू शिवलिंग नहीं है, ये मानव निर्मित शिवलिंग में सबसे बड़ा शिवलिंग है। 33 मीटर की हाइट यानी 108 फीट, आदमी का हाइट होता है 5 फीट, यानी ऐसे 21 आदमी खड़े हो जाए, इतना बड़ा शिवलिंग है। नंदी जो आप देख रहे हैं ये भी सबसे बड़े 11 मीटर के नंदी हैं। शिवलिंग मंदिर में नहीं है, मंदिर शिवलिंग में है। ये जो आप बाहर से इतना बड़ा शिवलिंग देख रहे हैं, ये बाहर से शिवलिंग बनाया गया है, उसके नीचे मंदिर है और मंदिर के अंदर मुख्य शिवलिंग है। 11 और भी मंदिर हैं यहाँ पे कंपाउंड में। शनिदेव का मंदिर है, वहाँ पे लोग अपने सर पे कपड़ा घुमा के मंदिर पे चढ़ा देते हैं, उनकी शनि की पनौती उतर जाती है। अन्नपूर्णा माता, विष्णु, ब्रह्मा, राम, लक्ष्मण, सीता जी के भी अंदर मंदिर हैं। स्वामी शंबा शिव मूर्ति जी ने 1986 में पहला शिवलिंग यहाँ पे बनवाया था। मंदिर में यात्रियों के रहने की खाने की व्यवस्था है। माँ शिवरात्रि पर यहाँ पे भारी भीड़ होती है और सोमवार को भी भारी भीड़ होती है। मंदिर में नॉर्मल चार्ज पे गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है। चालू रखिएगा, यहाँ पे अकेले आदमी को रूम नहीं मिलता है। कमन संदरा गांव कोलर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटक में। ये मंदिर है कोटिलिंगेश्वर रोड पे। कोलर रेलवे स्टेशन भी है और वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। वहाँ से 32 किलोमीटर यानी 1 घंटे का रास्ता है। बेंगलोर से 100 किलोमीटर यानी 2.25 घंटे के रास्ते पे है। मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है और शाम को 9:30 बजे बंद होता है। ऐसे अद्भुत मंदिरों के दर्शन जिसके नाम भी नहीं सुने होंगे, देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे सबसे पहले आप तक पहुँचे, और आगे फॉरवर्ड करके पुण्य के भागी बनिए। जय महादेव, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और आप भी यहाँ पर आकर एक शिवलिंग चढ़ाएं।